So what is up, दोस्तों I hope आप सब अपने घरों में ठीक ही होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा इंस्टाग्राम के रिलेटेड जो लोग करते हैं और मतलब मैं जब देखता हूं उनको मेरे को लगता है यार क्या मतलब नुबड़े बंदे मतलब क्या कर रहे हो यार ये इंस्टाग्राम पे हक दिया तो दोस्तों ये गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी कभी तो बिना टाइम वेस्ट करिए जल्दी से गलती नंबर वन बता देता हूं आपको अगर आप इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर हो तो मैं आपको बता दूं कि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे आप रील्स पोस्ट करते हो जरा टिक टिकटॉकर्स की तरह ठीक है आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं फॉलोइंग भी आप दे रहे हो लोगों को लाइक्स आपके इतने इतने आ रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ आप स्कैमर्स और हैकर्स की नज़रों में भी जाते हो तो यहाँ अभी हैकर्स क्या कर रहे हैं ऐसे अकाउंट्स पे ऐसे जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं जो बड़े बड़े इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं उनको ईमेल कर रहे हैं और वहाँ ईमेल पे आपको कुछ देखने को मिलेगा कि उधर लिखा कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा दो दिन में आपको ये फॉर्म भरना है ऐसा कुछ करना है जल्दी से लॉग कर लो आपका अकाउंट बच जाएगा तो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर यहाँ फंस जाते हैं इनके जाल में और अपना यहाँ ई मेल क्लिक करेंगे ये जैसे ही फिशिंग अटैक जैसे मैं आपको समझा दूँगा फिशिंग अटैक क्या होता है और जैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट लॉग पासवर्ड वगैरह सब कुछ दोगे ये इनके पास जाएगा भाई ये ओरिजिनल इंस्टाग्राम की साइट नहीं है लेकिन लगने को यही लगता है कि ये इंस्टाग्राम की ओरिजिनल वेबसाइट है ठीक है तो यहां इनका अकाउंट हो जाता है दूसरे का और ये चाकर भी कुछ नहीं कर सकते <coughs> तो ऐसे ईमेल्स या मैसेजेस से बचो दूसरी चीज दोस्तों अगर आप फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हो अपने ठीक है तो आपने भी ये गलती ज़रूर करी होगी और ये दो में ये गलती अगर आपने कर दी ना तो मेरी नज़रों में मतलब मैं दूर हो जाओ मतलब अनसब्सक्राइब दिस चैनल क्या क्या बोला तूने मैं बात कर रहा हूँ फॉलो अनफॉलो मेथड की तो पहले पहले लोग क्या करते थे जब Instagram नया नया आया था कि अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए यहाँ मैंने कर दिया फॉलो सबको फॉलो फॉलो कर ही जा रहा हूँ जैसे ही फॉलो बैक आएगा दूसरे का मैं कर दूंगा उसको अनफॉलो ईजी फॉलोअर्स इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास तो दोस्तों ये चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी फॉलो भाई आज सब समझदार हो चुके हैं सबको इंस्टाग्राम चलाना आ गया भाई ये एक्सपेक्ट मत करो भाई दूसरे से कि दूसरा भी मेरे को फॉलो करेगा तो ही मैं उसको फॉलो करूंगा आप उसकी लाइफ में इंस्टाग्राम पोस्ट पे इंटरेस्टेड हो तो आप फॉलो करो उसको वो इंटरेस्टेड होगा तो आपको भी फॉलो करेगा तो ये एक्सपेक्टेशन कभी मत रखो किसी से कि मुझे भी फॉलो बैक आना चाहिए ऐसा होना चाहिए भाई उसको इंटरेस्ट होगा आप में तो वो आपको जरूर फॉलो बैक करेगा या करेगी ठीक है जो सच में आपकी पोस्ट देखना चाहता होगा वो आपको फॉलो करेगा ज़रूर कभी भी फोर्स मत करो किसी बंदे को कि मुझे फॉलो करो भाई बड़ी गंदी हरकत है आई मीन वॉट यार तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया तीसरी चीज जो आज भी मैंने करते हुए देखा लोगों को और भाई ये ज़माने चले गए जो चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको उसके ज़माने चले गए लोगों ने एंगेजमेंट ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर रखे हैं ऐसे पेजेस फॉलो कर रखे हैं ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कर 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 करके रखे हैं इंस्टाग्राम पे जहाँ उनको एंगेजमेंट मिलती है मतलब सो कॉल्ड एंगेजमेंट उधर क्या होगा जैसे वो पोस्ट करेगा उस ग्रुप में अपनी फ़ोटो भेज देगा उधर बीस बंदे होंगे ग्रुप में भाई वो बीस के बीस लाइक कर देंगे जब भी कोई भी पोस्ट कर रहा है आपको लाइक करनी पड़ रही है मतलब एक आपस में ग्रुप बन चुका है कि हर कोई जो भी पोस्ट डालेगा हर कोई लाइक करेगा अगला बंदे ने डाली हर कोई लाइक करेगा उससे क्या होगा ये लोग सोचते हैं कि हम इंस्टाग्राम के एल्गोरिजम को ट्रिक करेंगे भाई ऐसा नहीं होता इंस्टाग्राम का एल्गोरिजम इससे ज़्यादा कंफ्यूज होगा क्योंकि किसका किस में इंटरेस्ट है किस रील्स में इंटरेस्ट है उसके तो सारे इंटरेस्ट जा रहे हैं और आपकी रील की उसको समझ भी नहीं आएगी भाई रील या पोस्ट की कि किनको दिखानी चाहिए भाई क्योंकि हर इंटरेस्ट के बंदे उसको लाइक कर रहे हैं जो मर्जी जना घना आके जो ग्रुप में है लाइक करी जा रहा है ठीक है तो ऐसा नहीं होता प्रॉपर हैश यूज़ करो और पोस्ट को ऑटोमेटिकली वायरल होने दो उससे ज़्यादा फायदा है ऐसे इंगेजमेंट ग्रुप्स ज्वाइन करना बंद करो अगर आप हो किसी में तो आज ही लीव करो फोर्थ डोंट यूज़ एनी बॉर्डर्स ऑन योर पोस्ट मतलब आपने देखा होगा किसी की फोटो या वीडियो सिक्सटीन एक्स टू नाइन में है ठीक है किसी की फ़ोटो लंबी है हाइट में विर्थ में तो वो क्या करते हैं वाइट बॉर्डर्स रख देते हैं अपनी पोस्ट में जैसे मेरी ये पोस्ट देख सकते हो आप मैं अपनी ही एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको यहाँ ऊपर नीचे वाइट बॉर्डर मैंने लगाया तो दोस्तों ऐसे इंस्टाग्राम पोस्ट पे वाइट बॉर्डर लगाना साइड पे फोटो अपनी छोटी सी बना देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपकी फोटो जितनी है उतनी ही रहने दिया करो जितनी इंस्टाग्राम ने आपको स्पेस दिया है उसको फिल करा करो तो ये व्हाइट बॉर्डर वगैरह ऊपर नीचे स्पेस रखना इसके चौचे लेना बंद करो ठीक है मैंने तो कर दी है भाई तो फिफ्थ जो कि सबसे बड़ा मिथ है आज तक इंस्टाग्राम पे मैंने रील डाली मैं एग्जांपल ले रहा हूँ भाई मैंने रील डाली इंस्टाग्राम पे मैंने वो अपनी स्टोरी में भी शेयर कर दी स्टोरी में शेयर करूँगा अब तो मैं सिंपली नहीं करूँगा भाई ना 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 मैं स्टोरी में शेयर करूँगा उसके बाद उसके ऊपर इतना बड़ा स्टिकर एंड करके लगा दूंगा कि वो रील ही ना दिखे और साथ में म्यूज़िक बज रहा है वह स्टोरी में ताकि लोग उस पर क्लिक करें और साथ में मेरी रील पे जाओ और व्यूज बढ़े दोस्तों ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपकी स्टोरी पे रील को शेयर करने से उसके व्यूज़ नहीं बढ़ते अपनी पोस्ट डालते हो या रील डालते हो स्टोरी में शेयर करते हो तो उसको कभी भी अपने स्टीकर से कवर मत करो क्योंकि मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो दस परसेंट ही लोग उस फोटो पे या रील पर क्लिक करेंगे बाकी नहीं करते क्लिक तो आपको अपनी रील जब स्टोरी पर शेयर करनी है कोई स्टीकर नहीं लगाना और उधर ही आपको स्टोरी पर दिखा देनी है उससे भी एंगेजमेंट आपकी रील की बढ़ती है तो इससे को समझ आएगा कि स्टोरी पूरी पूरी देख रहे हैं रील पर भी व्यूज़ आएंगे रील भी वायरल होगी वो तो ऐसा स्टिकर्स आपको बिल्कुल एनलार्ज करके हाइड कुछ भी नहीं करना अपनी स्टोरी में सिक्स so अगर आप भी सोच रहे हो कि हमने इंस्टाग्राम पे ग्रो होना है और फॉलोअर्स बढ़ाने हैं अपने आगे जाके इन्फ्लुएंसर बनना है तो यहाँ मुझे हर रोज़ पोस्ट करनी पड़ेगी इंस्टाग्राम पे हर रोज पोस्ट करो उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है आप रील्स पोस्ट कर रहे हो कोई भी चीज़ पोस्ट कर रहे हो अपने फेमस होने के लिए आपको हर रोज़ पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको प्रॉपर अपनी कंसिस्टेंसी रखनी है बस चाहे वो आप हफ्ते में दो बार करो हफ़्ते में एक बार करो लेकिन हफ्ते में अगर आपने दो बार पोस्ट सोची है कि दो पोस्ट करनी करनी है तो दो पोस्ट करनी ही करनी है फिर आपने फिर उसको स्किप नहीं करना अगर डेली पोस्ट करनी है तो डेली ही करनी है लेकिन कंसिस्टेंट रहो उससे आपकी इंस्टाग्राम पर रीच बढ़ेगी साथ ही में इंस्टाग्राम खुद ही आपके कंटेंट को प्रमोट करेगा सेवन्थ आपकी कोई ना कोई रील तो वायरल हुई होगी अभी तक ठीक है और वायरल जा रही है उस व्यूज़ बढ़ रहे हैं दिन जारी हजार दो जार, दस हजार तो फील होता है कि इसका कैप्शन मैं बदलना चाहता हूँ तो लोग आपको क्या कहेंगे इसका कैप्शन मत बदलना ये अभी वायरल गई हुई है ये इंस्टाग्राम के एल्गोरिज्म से हटेगी और आपकी रील के व्यूज उधर ही स्टॉप हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होता कैप्शन चेंज करने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी पोस्ट को वाह वाह मोदी जी एथ टिप इसको भी मैं टिप नहीं कहूंगा ये भी एक मिथ है जो कि आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ इसके बारे में सच्चाई मेरे भी कुछ फॉलोअर्स क्या करते हैं कुछ अपनी पोस्ट डाली अपनी रील्स डाली तो मुझे उसमें टैग कर देंगे मुझे इसमें मेंशन कर देंगे या कुछ भी कर देंगे ताकि वो मेरे प्रोफाइल पर जो टैग्ड वाला सेक्शन होता है उसके अंदर लिस्ट हो जाए या मैं नोटिस कर लूँ उनके पोस्ट को ऐसे ही लोग जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वगैरह हो गए उनको टैग कर देते हैं अपनी पोस्ट पर ताकि उनकी फीड पे उनकी पोस्ट चले जाए तो दोस्तों सच्चाई यही है कि पहले पहले ये चीज़ काम करती थी मैंने भी खुद ट्राई करी है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को टैग कर दिया उनकी प्रोफाइल पे पोस्ट गई लाइक्स कोई ना कोई फालतू के आ ही जाते थे ठीक है लेकिन अब ये काम नहीं करती इंस्टाग्राम ने अपडेट में निकाल ही दिया कि अगर आप भी मुझे टैग करते हो किसी पोस्ट में तो मुझे ऑप्शन आ जाता है कि अप्रूव करने का मैं शो करना चाहता हूँ अपने प्रोफाइल में या नहीं तो वो मेरे पास पूरा कंट्रोल है कोई मेरे को खाने की पोस्ट पर टैग कर रहा है कोई मेरे को कुछ दौड़ता हुआ टैग कर रहा है मतलब कोई सेंस है इस बात आज ये चीज बिल्कुल वर्क नहीं करती ऐसा मत करो अपनी पोस्ट को जितना साफ हो सकता है उतना साफ रखो और अच्छी से अच्छी पोस्ट करो ठीक है यही सीक्रेट है इंस्टाग्राम पे ग्रो करने का पोस्ट ऐसी करो कि लोग देख के बोले मजा आया तो दोस्तों जितनी मैंने बात बताई उसमें से एक भी चीज़ अगर आप फॉलो नहीं करते तो जल्दी से जल्दी चेंज करो इन चीज़ों को और आई होप आपको वीडियो जरूर से पसंद आई होगी इस वीडियो को शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ सबको अवेयर करो हर चीज़ के बारे में और बच्चों की तरह हरकतें नहीं करनी यार किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ठीक है अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको सीखने को मिलते रहेगा इस चैनल से ये वीडियो देख के भी अगर आप गलती करोगे समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो दूसरे पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो जल्दी से लाइक करो कमेंट कर दो वीडियो के नीचे की वीडियो कैसी लगी आपको और कोई नई बात मुझे बताना चाहते हो तो वो भी बता दो सो सी द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय